बांग्लादेश ने भारत को एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट यूज करने की परमिशन दी है, चिटागोंग पोर्ट। अब ये ऑफर बांग्लादेश ने फ्री में नहीं दिया है, इसके दो इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल रीजंस हैं। बांग्लादेश जानता है कि इंडिया जल्द ही एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने वाली है। कई इंडियन कंपनीज बांग्लादेश में अपने हब सेटअप करना चाहेंगी, पर इसमें एक चैलेंज होगा, पुअर कनेक्टिविटी। अभी एक ट्रक को इंडिया से बांग्लादेश ले जाने के लिए 5 दिन और 55 सिग्नेचर्स लगते हैं। कई पैसेंजर ट्रेन्स तो हैं, पर गुड ट्रेन्स नहीं, और चिटागोंग पोर्ट विल हेल्प इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। इंडिया ने रिसेंटली म्यांमार में एक पोर्ट डेवलप किया है। ये पोर्ट इंडिया यूज करेगी कोलकाता से म्यांमार जाके नॉर्थ ईस्ट पहुंचने के लिए। बेसिकली इंडिया का अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कनेक्शन बढ़ाने के लिए और सिलीगुड़ी पास में डिपेंडेंस कम करने के लिए। इस पोर्ट से म्यांमार को भी इकोनॉमिक फायदा होगा। ये बात बांग्लादेश को बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिकॉज ऑफ रीजनल राइवलरी। और इस सिचुएशन में बांग्लादेश हैज प्रेजेंटेड द चिटागोंग पोर्ट एज एन अल्टरनेटिव। देखते हैं कि ये पोर्ट दोनों कंट्रीज को कैसे मदद करेगा।